चलो जिनको नहीं पता पहले यही शेयर कर लेते हैं भाई, यही डिस्कस कर लेते हैं। आओ, फाइनली डेट शीट आ चुकी है, 2 अगस्त आज ही के दिन अभी अभी आई है, ठीक है ना। और हरे कृष्णा। चलिए तो वही 3 कैटेगरीज के अंदर एग्जाम है जिसमें पहले था, ठीक है ना। चलो मेन चीज कॉमर्स के एग्जाम देख लेते हैं। अपने तो कॉमर्स चले हैं, तो कॉमर्स के एग्जाम बच्चे 2 शिफ्ट के अंदर आपका होगा, और 3 सितंबर को आपका एग्जाम है। ये रहा कॉमर्स यहाँ, ये रहा कॉमर्स यहाँ, ठीक है ना भाई साहब। कौन एग्जाम देगा? जिसने फॉर्म भरा है वो एग्जाम देंगे, या जो बच्चे प्रेजेंट थे वो एग्जाम देंगे, ठीक है ना। इसके बारे में कुछ नहीं बताया ना। सिटी चेंज करने का ऑप्शन देंगे कि नहीं देंगे, ये भी नहीं बताया है ना। हाँ हाँ गलती है, बिल्कुल है। ये देखो 28 जुलाई, 29 जुलाई, ठीक है ना। पता नहीं क्या करते हैं भाई साहब। चलो कोई बात नहीं, तो क्या हो गए, बच्चे हैं। यस, कॉमर्स वाले बच्चों का पेपर है 3 तारीख का, ठीक है ना, 3rd ऑफ सितंबर, ठीक है। आइए सर, मुझे दूसरे शहर शिफ्ट होना पड़ेगा अगर सेंटर चेंज करने का ऑप्शन नहीं दिया तो, सब गड़बड़। हाँ ये इसमें बताया नहीं है ना, सेंटर चेंज ऑप्शन में बताया कौन एग्जाम देगा कौन नहीं देगा। चलो देखते हैं, वेट करते हैं, एडमिट कार्ड आने दीजिए, ठीक है ना। एक काम करें, बोलो, एक काम करें, कुछ ऑप्शन, कुछ प्रॉब्लम तो है ही, है ना। पूछ लेते हैं भाई, पूछ लें क्या, बोलो, पूछ लें, किससे पूछें। एक काम करते हैं, यहां पर ना चलो नंबर तो दे रखा है, एनटीसी पूछ लेते हैं। रुको मैं कॉल करता हूँ, मिल जाए, मुझे नहीं पता कि भाई मिलता कि नहीं मिलता, पहली बार ऐसा होगा, ठीक है ना। मैं कॉल कर रहा हूँ यहाँ पर, इन्होंने खुद ने कहा है भाई, फॉर फर्दर क्लेरिफिकेशन रिलेटेड टू भाई, कैंडिडेट्स कैन ऑल्सो कॉन्टेक्ट दिस नंबर, है ना। आओ कर लेते हैं। बड़ी मुश्किल बाबा, बड़ी मुश्किल, गोरी गोरी गल पे काला काला तिल, मेरे मजनू। 4075900, तुम लोग मत करने लग जाना, मैं कर रहा हूँ। Number you're calling is temporarily out of service. Please try later. हेलो, आप जिस नंबर पर कॉल कर रहे हैं वो अस्थायी रूप से सेवा में नहीं है, लो कृपया भैया, कुछ समय पश्चात प्रयास करें। अरे रब्बा, The number ये you're calling is temporarily out of service. Please क्या try करते हो later. एनटीएस? आप जिस नंबर पर कॉल कर रहे हैं, दोबारा करता हूँ, कभी कभार ऐसा हो जाता है, ठीक है ना। बच्चे कहते हैं एज एक्सपेक्टेड, नंबर तुम्हारा मिलता नहीं है, कहते ईमेल पे जवाब देंगे। भाई साहब दोबारा कर लेते हैं, कई बार ऐसा होता है, मुझे लग रहा है मेरा नेटवर्क ही खराब ना हो, दोबारा कर लेते हैं। थोड़ा वो बेनिफिट ऑफ डाउट देना चाहिए भाई, ठीक है ना। नंबर तो ठीक मिलाया था ना, 0114075900। हाँ कई बार लो, मेरा ही कॉल फेल आ रहा है। 3 सितंबर को एग्जाम है, ठीक है ना, 3 सितंबर। अरे कुछ क्लैरिटी चाहिए था, मैंने कहा कॉल कर लें, इन्होंने कहा है फॉर फर्दर क्लेरिफिकेशन कॉल Your कर। calling is temporarily out of service. Please try later. ये तो नहीं मिल रहा, ठीक है ना। एक काम करते हैं, एनटी वेबसाइट पर भी एक नंबर है। बच्चे कहते क्या क्लैरिटी चाहिए सर? एक तो चाहिए भाई, सिटी जो हमने भरा था वहां पर वो चेंज होगा कि नहीं होगा, सिटी सेंटर, है ना, पहला तो चीज ये। अच्छा दूसरा तीसरा क्या था, मैंने वो पीछे लिखा था, एक और भी हमें क्लैरिटी चाहिए था। एक तो सिटी को लेकर चाहिए था, एक और कौन सा था, क्या लिखा है, हाँ कि भाई साहब एग्जाम कौन दे सकता है, जिसने फॉर्म फिल किया था वो दे सकता है, या जो एग्जाम में उस समय प्रेजेंट था, ठीक है ना। क्योंकि कुछ बच्चे एग्जाम उस टाइम नहीं देने गए, क्या वो भी दे सकते कि नहीं दे सकते। तो आइए, ये हालांकि कम बच्चे होंगे लेकिन होंगे तो सही, उनके बारे में सोचना तो चाहिए, ठीक है ना।
चलिए एक काम करते हैं, एनटी की वेबसाइट पर भी एक नंबर है वो मैं डायल करता हूँ और वहां से देखते हैं कुछ क्लैरिटी मिलता है कि नहीं। एजेंसी में आपका स्वागत है। मैं अभी तक तो ठीक है, आगे बोलो बहन। स्वागत करके गायब। अरे बोलो भाई, वो कट गया फोन, नंबर फोन ही कट गया। दोबारा ट्राई करता हूँ, ठीक है ना, रुको एक सेकंड। अरे करके तो देखेंगे, ठीक है ना, मैं फिर तुम्हें बोलूंगा कि एनटीए से पूछो, मेरा ही नहीं फोन उठा रहे। कॉल फेल। ये क्या नंबर है? 0116922770 ये नंबर है, बता दिया। ये एनटी की वेबसाइट से मैंने उठाया है अभी अभी जस्ट आपसे बात करते करते। बड़ी मुश्किल, बड़ी मुश्किल। कहते सर ब्लॉक ही ना कर दे। अरे भाई पता नहीं सारी कॉल करने लग गए क्या इस पे। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी में आपका स्वागत है। ठीक है, थैंक यू। प्रेस 1 फॉर इंग्लिश। हिंदी के लिए 2 दबाएं। 2 दबाएंगे हम। नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट के लिए 1 दबाएं। जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन मेन के लिए 2 दबाएं। कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट यूजी के लिए 3 दबाएं। ठीक है, 3। कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट पीजी के लिए 4 दबाएं। ये भी अपना नहीं है। यूजीसी नेट के लिए 5 दबाएं। अन्य नहीं, नहीं। नमस्कार सर। सर मैं, हेलो एनटी से बात कर रहे हैं? हाँ जी, नमस्कार साहब। एक्चुअली मैं कुछ इन्फॉर्मेशन चाह रहा था, हालांकि मैं टीचर हूँ, पढ़ाता हूँ, और मेरे बच्चों को भी सेम इन्फॉर्मेशन चाहिए, और वो इस समय बात भी सुन रहे हैं, मुझे थोड़ा क्लैरिटी चाहिए, मुझे वो बता दीजिए प्लीज। अभी सर एक डेट शीट रिलीज की गई एनटी के वेबसाइट पर, और एडमिट कार्ड हालांकि कह रहे हैं कि हम रिलीज कर देंगे कुछ समय पहले। मुझे बताइए कि ये एग्जाम कौन से बच्चे दे सकते हैं? जिन्होंने फॉर्म भरा वो बच्चे दे सकते हैं, या जो एग्जाम में उस दिन प्रेजेंट थे वो बच्चे दे सकते हैं? अच्छा, सभी बच्चे भर सकते हैं, चाहे वो प्रेजेंट थे एब्सेंट थे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना? अच्छा, दूसरा सर क्या सिटी चेंज करने का हमें ऑप्शन कोई मिलेगा? अच्छा, सिटी वही रहेगा, कोई ऑप्शन हमें चेंज करने का? एक्चुअली सर वो हाँ जी, अच्छा, ये ऑप्शन दिया जाएगा हमें एडिट करने का? सिटी ऑप्शन नहीं दिया जाएगा। ऑप्शन नहीं दिया जाएगा, तो फिर ये कैसे डिसाइड करेंगे? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। सर रीजन ये है कि वो पहले वाला सेंटर काफी दूर था। हेलो, अच्छा, रिक्वेस्ट मेल करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा सर, एक कुछ छुटपुट सी जान की और छुटपुट सी जानकारी और थी, ये बता दीजिए फीस तो हमें पे नहीं करना पड़ेगा ना अलग से? ठीक है। अच्छा एक सर और बता दीजिए, सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी केस चल रहा है, मतलब केस चल तो क्या है अभी, मे भी चला जाएगा दोबारा, पीएल दायर कर रखी है बच्चों ने, एडवोकेट साहब ने बच्चों के फेवर में, तो क्या ये ऐसा हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट इस पे थोड़ा अपना कड़ा रवैया दिखाए और एग्जाम हो ही ना? अच्छा ठीक है, ओके, ठीक है सर, शुक्रिया, थैंक यू, शुक्रिया, आपका भी दिन शुभ रहे साहब, थैंक यू। चलो तो भाई
कुछ कुछ सवाल थे, कुछ सवाल थे जो मैंने पूछने थे, मैंने पूछ लिया, ठीक है ना, आपके बिहाफ पे। मैंने उन्हें बोल भी दिया कि भाई साहब आप बच्चे सुन रहे हैं, मैं एक टीचर हूँ, ठीक है ना, उनके बिहाफ पे आपसे पूछ रहा हूँ। तो ऐसा भी नहीं, मैं उनसे बिना पूछे उनकी बातें आपको सुनाई, और जो भी सवाल थे मैंने आपको बता दिए। तो सिटी के बारे में क्या बोलते हैं भाई साहब? सिटी के बारे में बोलते हैं कि आपको मेल करना पड़ेगा, ठीक है ना, पहली चीज, पता नहीं ऑप्शन आएगा कि नहीं आएगा, तो मेल जरूर करिएगा अगर आपने शहर वगैरह चेंज करना है। दूसरा सर, क्या जिन बच्चों ने फॉर्म भरा उन्हीं को ऑप्शन मिलेगा, मतलब वही जा सकते हैं कि जो प्रेजेंट थे वही एग्जाम देने जाएंगे? तो कहा गया जिन्होंने फॉर्म भरा है ना, सब एग्जाम देने जा सकते हैं, ठीक है ना, भले ही उस टाइम कोई प्रेजेंट था कि नहीं था, ठीक है ना। अच्छा, ये रक्षा ने बोला कि सर नए एप्लीकेंट्स भी फॉर्म भर सकते हैं कि ये पहले पूछते हैं? वैसे तो नहीं होगा ऐसा, नए एप्लीकेंट्स नहीं आएंगे, ठीक है ना। चलिए चलिए, इसके अलावा मैंने पूछ लिया री एग्जाम, हालांकि मुझे पता था सुप्रीम कोर्ट का री एग्जाम का, ठीक है ना, मैंने पूछ लिया फिर भी कि री एग्जाम का क्या है भाई? डेट शीट निकली हुई है, एग्जाम होगा, ठीक है, डेट शीट निकल चुकी है, ठीक है। ललिता कहती सर आप इस क्लिप को यूट्यूब पर डाल देना, शॉर्ट वीडियो में सबका डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए पहले क्लास पूरी करनी पड़ेगी, क्लास फिर खत्म करनी पड़ेगी, उसके बाद ही कुछ होगा, ठीक है ना। और जो बच्चे यूट्यूब पर देखेंगे उनको मैं बता दूं, फ्लैट 50% डिस्काउंट ऑफर चल रहा है, विद द हेल्प ऑफ दिस कोड ये ऑफर देखने के लिए मिलेगा आप लोगों को। ऑफर है बच्चे राघव जे आर है, ठीक है ना। और कोई भी बच्चा अगर सब्सक्रिप्शन लेना चाहता है, चाहे जून के री एग्जाम के लिए, दिसंबर के री एग्जाम के लिए, वो इस कोड से ले सकता है, ठीक है ना। ये जो नालायक मेरे साथ बैठे इनको बताएं, यूट्यूब पे अगर आप देखेंगे तो आपके लिए अलग से आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। चलिए।